हेलो, राम राम दोस्तों। ये कुछ इस तरह कमरा है। आज सवेरे उठे हैं, सोच रहे हैं कहाँ घूमने जाएं। बाकी भाई रविंदर कह रहा है कि यहाँ पास में पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ चलेंगे। परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस वालों की, वहाँ से कुछ मना के देंगे, कागज वगैरह वो लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे भाइयों। ले दोस्तों, होटल से निकले आए हैं। बोट में बैठे वो सामने अपना बंदा, चलते हैं मिलते हैं आगे। एंडी मजा आवे तो मैं एंडी वीडियो बने रही हो और देख दे रही हो। सामान रखते हैं बाइक पे, ये सामान अपना करते हैं बाइक को रेडी। ले दोस्तों, निकल लिए हैं अपनी मंजिल की ओर। ले दोस्तों, खाना खाते हैं, खुला समोसा मिल गया वो लेते हैं, खा के निकलते हैं। कुपवाड़ा की तरफ निकल रहे हैं। कुपवाड़ा रह गया है 70 किलोमीटर। मेहमान है आपके लिए लाए हमें, पहली बार आप देख रहे हो। देखो इसको ऐसे ले भाई, यो कच्चा अखरोट है। जी जी, ये देखो देखो जी। अरे इसमें से तो वही अखरोट निकल गया जो हम लोग खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इसके अंदर होता है। ये इसका बाल का छिलका होता है, दिखाना एक मिनट। जी ये है वो अखरोट। जी ये अभी कच्चा है, मतलब इसके अंदर गिरी बनी नहीं है। बनी है, देख के दिखाता हूँ मैं। अच्छा लीजिए, टेस्ट कीजिए। कच्ची गिरी है। अच्छा ये गिरी भी कच्ची है। हाँ जी, गिरी कच्ची। देखो इसकी टेस्ट अलग सा होगा। जो मतलब पका होता है उसकी रेड कलर की हो जाती है, लाल कलर की व्हाइट होती है जो सबसे कच्ची गिरी है। व्हाइट में कच्ची गिरी अखरोट खाइए, आपके लिए बस निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, राम राम है। रात हो गई है, पिक्चर के लिए से प्रस्ताव गाँव वहाँ हुई, उसके बाद रुकते थे। दो घंटे बोल जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर पे, पूरे का नज़ारा दिखाओगे भाई ना। ले दोस्तों, धुंध आ गई है, मकती फील्ड मौसम हो रहा है। ले दोस्तों, 12 बज गए हैं और आखिर में हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान बॉर्डर पे। है ना नदी, उस पार पाकिस्तान, इस पार इंडिया है। यहाँ वो पीछे देख रहे हो ना, अब ये झंडा रहा, ये पाकिस्तान का मकान है। पीछे देखो ती पूरा अंगे लग गए, कुछ पट्टे हैं जमा, जवाड़ा पहुंचा गया है। वो देखो सारे पाकिस्तान के घर हैं, बस पाकिस्तान की है। देखो वो जारी चीयर लगी हो तो भाई लाइक जरूर कर दियो, चैनल की तो कंधा ना करो, चाहे ना करो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दियो। लास्ट स्कूल, लास्ट स्कूल इंडिया का।
ये लास्ट विलेज है अपना इंडिया का। ले भाइयो, इंडिया का आखिरी डाकखाना, लास्ट डाकखाना दिखाता हूँ तुमने। ये देखो, ये बोर्ड लग रहा, बोर्ड पढ़ लियो, जयपुर 1771 किलोमीटर। ये देख लो, सब लग रहे हैं बोर्ड। ये होगा लास्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, ये लग रहा इस्लामाबाद 407, कराची 1755 किलोमीटर। ये देखो दोस्तों, वह पाकिस्तान के आदमी सारे, और ऊपरला सारा पाकिस्तान है। देख लो भाई, कती आखिरी बॉर्डर है, मक्का मक्का है वो, और वो रे पाकिस्तान के गांव। नदी तो परे ने पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान का झंडा, सारा पाकिस्तान दोस्तों। अरे ये अपना इंडिया, यार कुछ ऐसे टेंट लगे हुए हैं, हम भी लेकिन हम भी अपना ले रहे हैं टेंट। तो भाई शॉट कर रहे हैं फोटो फोटो। ये है राज टेंट विले, वेलकम टू करण कपूवाड़ा। इस तरह के टेंट हैं, जैसे हम ले रहे हैं ना उसे टेंट है नहीं भी। रविंद्र बोलना, वालेकुम सलाम। अरे बोले दे भाई, टेंट लगा दिया अपना, तू टेंट रहा। अब देखते हैं क्या बनाओगे के नहीं, खान पीने का। अरे यो पाकिस्तान रहा, रात न मारेंगे रुक के अंदर। बारिश होने लग गई थी भाई इधर, आवाज सुन ली होगी तुमने। और देखें क्या बनाएंगे, क्या खाओगे। बारिश रुकी है, अरविंदर भाई साहब की मैं सामान लेने, देखे के बनाओगे। हाँ भाई, पाकिस्तान कान मुंह करके मूछ दियो, मूछ भाइयो, मसाला कर दिया तैयार। क्या बात है जी, वाह जी वाह, क्या खुशबू है। और उधर से पहाड़ होगी खुशबू, अरे पाकिस्तान है। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक देता हूँ।
सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर बदल ले। कुत्ते भौंक रहे हैं, बाकी मेरी चिकन बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। खुशबू तो लियो भाइयो, तैयार हो गया अपना माल चिकन बिरयानी। देख लो ये, देखो भाई ये टेंट ला रखा था हमने, रात ना बारिश तेज होगी तो हमने उड़ा जाना पड़ा भीतर, नदी का है ना पूरा तेज पानी बढ़ गया, कते तेज हो गया। और वो पाकिस्तान रहा देखो, वो झंडे लाग रहे, अरे फिलहाल भी बारिश होने लग रही है। ये वो देखो मेरे झंडे पाकिस्तान के, सारा पाकिस्तान हका है। और ऊपर देखो वो ना प्रेन, वो गांव दिखाई दे रहे, वो सारे पाकिस्तान है। इसको नीलम वैली बोलते हैं, ये सारा पाकिस्तान है। दो दिन हो गया हड़ा है, निकलते हड़ा, मौसम बहुत खराब हो रहा है, मौसम की वजह से हड़ रख के अंदर है। देखो सारे बारिश तेज आ रही है तो निकलते हैं। ये हड़े गांव है उसमें घूम के आएंगे, बड़ा बताओ बढ़िया है, सीनरी है, गांव वाले से मिल लेंगे। और ये अपने सारे फौजी भाई घोड़े ले गए, ये कुछ सामान लेंदे होंगे, ओ घर गया, जान ला के दे, घर गया ओ सारे फौजी भाई हैं, सारे लकड़ी के घर है, ऊपर टीन है। कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पे, अभी तो मौसम बहुत खराब हो चुका है, फिर भी आपको दिखा रहे हैं। और देखो इस तरह घर हैं, ये देखो चलते आ रहे हैं, और सामने पाकिस्तान के नज़ारे ले रहे हैं, सारा पाकिस्तान के गांव। अभी ये गांव आगे कोबरा अपना, भाई क्या मिल गया ये, ओ तेरा तो ओ मिट्टी बहुत है, ये पता नहीं क्या दिख गया, चलते तो तोड़ के देखता हूँ। मैं सामने अपने फौजी भाई हैं, और ये है का रास्ता रहे, परली साइड में कोबरा पोस्ट है। बारिश की वजह से ना ये बाहर नहीं निकल रहे, नहीं तो उनको हेलो आए करते, एक से बोला था मैंने हेलो आए, वो अंदर बढ़ गया। कर जी भाई ये जो नदी में ये रेत होता है ना, और ये लोड करके वापस अपने कैंप पे ले जा रहे हैं। इन्हें ने बोला कि आगे मत जाना, आगे खतरा है, चलो हम वहाँ से वापस हो गए। और देखो जो बंदे जा रहे हो ना, वो ला नहीं मैं, आप बस गया, कैमरे में पानी गिर गया इसलिए साफ नहीं दिखाई दे रहा। ये पाकिस्तान की बस जा रही है, ये ऊपर से है कोई नीलम वैली, पाकिस्तान की वहां से आई है। ये जितने भी सारा आप खाली मैदान देख रहे हो, ये सारा कोबरा पोस्ट का है। ये देखो ये बीएसएफ वाले यहाँ आगे नहीं जाने देते, बोलते यहीं से अपना वीडियो शूट कर लो और इंजॉय लो, बाकी कहीं दाएं बाएं भी पैर मत रखना, पैर रखने से कुछ भी हो सकता है, 15 किलो से ऊपर वेट होगा ना तो कुछ भी हो सकता है। वो देखो एक कार गई, वो जा रही, वो आई बाइक, वो गई बाइक भी, पता नहीं कैसी है इनकी, छोटी छोटी बाइक हैं।
बच्चे हैं उधर हाथ हिला रहे हैं। पुलिस स्टेशन है, मैंने उनको हाथ हिलाया, उन्होंने भी हिलाया, थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा बारिश की वजह से। ये देखो, ये देखो, जूम करके दिखा दिया मैंने, ये सामने, और उधर देखो वो बैठे, ये पाकिस्तान के बंदे हैं सारे। ओ, कुछ ऐसा नज़ारा है, ये अपना इंडिया का है, छोटे छोटे रास्ते हैं। तो वो भाई आ गया, हरियाणे से निकलते हैं, मौसम बहुत खराब हो गया, बीज जाए कितनी सारे पहले बीज गए हैं देखो, तो चलते हैं भाई। देखो हड़े गई शरस्त, इस रस्ते पर गए हैं भाई ने कति दिखाने खातर, 2 किलोमीटर जाना है और अभी कति नु मान ले भाई, खतरनाक एरिया बता रहे हैं फौजी, नु कह जल्दी पहुंच जाओ, यहाँ ज्यादा टाइम नहीं खड़े होना है। व्यू दिख गया पाकिस्तान का, देख लो ये, देखो ये इधर होटल है पाकिस्तान का, और ये रास्ता जाता है नीलम वैली की ओर जो कि पाकिस्तान में है। आराम से चलिए भाई, एक दे दाएं बाएं पैर टेक दे, रस्ते से जाना रस्ते से आना, कहीं भी कुछ हो सकता है, कहीं से भी पार आ सकता है। और क्या कह दे मैं फौजी भाई, और दाएं बाएं पैर कितनी टकना है, रस्ते से जाना है। अगर भाईयो इधर आना है ना, ये पड़ता है केरन, केरन लास्ट इंडिया का गांव है केरन, जहाँ पे हम हैं, आपको कुपवाड़ा से, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आती है श्रीनगर से आगे, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, परमिशन लेने के बाद तो इधर आना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों वहाँ पे आपको ऑनलाइन वो करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद आपको कितने दिन का परमिशन लेना है ले सकते हैं। अरे से अभी बता रहे थे कि जो बंदे पीछे ऊपर की ओर आ रहे थे तो वहीं रोक दिया गया उनको 2 दिन से, क्योंकि मौसम बहुत खराब हो चुका है, पीछे जो अपना रास्ता है ना इंडिया का वो बहुत खराब है। ये फौजी बोल रहे हैं अगर हमें यहाँ रास्ता बढ़िया बनाएंगे तो बना दिया तो ये साले बहन चो दिल्ली पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, इसलिए अपना रास्ता थोड़ा उसे वैसा ही रख रखा है। कितने सारे अखरोट इकट्ठे कर लिए मैंने भाई, ये पके हुए है ना, कच्चे तो नहीं है, पके हुए ये इस भाई का। हेलो करिए भाई, हेलो ब्रदर। हाँ ये मेरे अपने खेत हैं सर। इसके खेत हैं, ये मक्का है? हाँ ये मक्का है। अच्छा जी, कितने दिन से खराब है मौसम? आई 3-4 दिन से, तीन चार दिन से। अभी तो आ रहे हैं, टूरिस्ट बंद कर दिया, अभी टूरिस्ट आ रहे किस है। हाँ भले ही है, और देखो सामने अपने बड़े बाबू भोसे बोल रहे हैं ना, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं अरे ये आड़ू रे, ये देख देखो बाबू भोसे फल तो बहुत सारे हैं अरे ये आड़ू देगा हमको तोड़ के, ये देखो जगह बनाओगे ताकि रेंट पे चढ़े। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ना चाचा ने बड़े प्यार से बोला यार, बहुत बढ़िया मिले हमको, और आड़ू दिया उन्होंने हमें,
बोला गया मीडिया बहुत गलत बोलता साला, इधर टूरिस्ट को आने नहीं देता है। फ्लाइट दूर कर दियो। ठीक है भाई, जय हिंद।